हेलो एवरीवन वेलकम टू यूट्यूब चैनल मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दिल्ली पब्लिक स्कूल टीचर रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है फ्रेश नोटिफिकेशन है यहाँ पर पीजीटी टीजीटी पीआरटी और कई और वैकेंसी स्टाफ वैकेंसीज भी हैं सबसे अच्छी बात यह कि पीजीटी टी टी के लिए जो सैलरी है वो मेंशन की हुई है एडवर्टीजमेंट में तो इससे आपको इजीली समझ आता है कि किस तरीके की सैलरी ऑफर होने वाली है आफ्टर सिलेक्शन तो पीजीटी के लिए सेवेंटी वन थाउजेंड रुपीज़ पर मंथ टीजीटी के लिए ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए सिक्सटी सेवन थाउजेंड रुपीज़ पर मंथ और पीआरटी के लिए फिफ्टी थ्री थाउजेंड रुपीज पर मंथ इसके अलावा और भी स्टाफ वैकेंसीज भी हैं वो भी चेक की जा सकती है चलिए आगे बढ़ते हैं डिटेल्स कवर करते हैं तो इस तरीके से एक एडवर्टीजमेंट डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट भी है और शॉर्ट एडवर्टीजमेंट भी है जो न्यूज़पेपर में भी पब्लिश हुई है तो पहले डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट ऑफिशियल वेबसाइट पर बिल्कुल अवेलेबल है बट पहले चेक कर लेते हैं। पीजीटी के लिए सैलरी यहाँ पर सेवेंटी वन थाउजेंड रुपीज़ एंड फिज़िक्स है जो यहाँ पर रिक्वायरमेंट है एसेंशियल क्वालिफिकेशन जिनको इंटरेस्ट है वो चेक कर लें एसेंशियल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के बारे में टी के लिए सिक्सटी सेवन ग्रॉस सैलरी पर मंथ अप्रॉक्सीमेटली सोशल साइंस संस्कृत एंड मैथमेटिक्स पीआरटी के लिए ग्रॉस सैलरी अप्रॉक्सीमेटली फिफ्टी थ्री थाउजेंड रुपीज़ पर मंथ हिंदी जर्मन फ्रेंच फिजिकल एजुकेशन टेबल टेनिस लॉन टेनिस इसके अलावा अकाउंटेंट की है जिसमें सैलरी नगोशिएबल है ऑफिस असिस्टेंट की है ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट यहाँ पर एप्लीकेशन डाल सकते हैं अगर आपने ऑलरेडी इस टाइप का काम किया है तीन या चार साल प्रेफरेबली और स्विमिंग कोच फीमेल पब्लिकेशन इंचार्ज 40 इयर्स एंड बिलो वाले कैंडिडेट एप्लीकेशन डाल सकते हैं तो यहां पर ऑनलाइन एप्लीकेशन भी करनी है ऑफलाइन पहले हम देख लेते हैं ऑफिशियल वेबसाइट देखिए ऑफिशियल वेबसाइट पर इस पर एक शॉर्ट एडवर्टीजमेंट भी है दिल्ली पब्लिक स्कूल बोकारो तो बोकारो झारखंड स्टेट में है दिल्ली पब्लिक स्कूल में सैलरी स्ट्रक्चर अच्छी होती है तो बाहर के स्टेट के कैंडिडेट भी एप्लीकेशन डालते हैं सिलेक्शन होने पर वो काम करते हैं Uh, क्योंकि यहाँ जो भी सैलरी ऑफर होती है अच्छी होती है इन्फ्रास्ट्रक्चर भी काफ़ी अच्छी, अच्छी होती है वर्क इन्वायरमेंट भी काफ़ी अच्छी होती है डेली पब्लिक स्कूल की तो बोकारो झारखंड स्टेट में है बाहर के कैंडिडेट भी बिल्कुल एप्लीकेशन डाल सकते हैं यहाँ पर दो तरीके से एप्लीकेशन डालनी होगी पहले ऑनलाइन एप्लीकेशन करनी है ऑनलाइन एप्लीकेशन की प्रिंट आउट वगैरह ले वापस से उसे ऑफलाइन मोड में भी भेजना है पाँच सौ रुपए की डिमांड आप प्राइवेट स्कूल में एप्लीकेशन फ़ी नहीं होनी चाहिए लेकिन एप्लीकेशन फ़ी है और वो भी काफ़ी ज़्यादा है तो अगर आप वाकई इंटरेस्टेड हैं तो एप्लीकेशन डालें मेरे यूट्यूब चैनल पर वीडियो बनाने का यह है कि आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए बट बाकी आपकी खुद की डिसीज़न होनी चाहिए क्योंकि फाइव हंड्रेड रुपीज़ इवन मेरे हिसाब से भी काफ़ी ज़्यादा फी है एक प्राइवेट स्कूल में यहाँ पर द कैंडिडेट अटेंडिंग द इंटरव्यू विल बी रियम्बर्स टू एंड फ्रो रेल और बस फेयर बाय द शॉर्टेस्ट रूट बियॉन्ड हंड्रेड किलोमीटर्स तो जो रेल या बस की फेयर है अगर इंटरव्यू के लिए बुलाए जाते हैं कैंडिडेट बाहर से तो उनको दी जाएगी इंटरव्यू के लिए अगर बुलाया जाए ऑनलाइन एप्लीकेशन ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन इन द फॉर्मेट विल एक्सेप्ट अवेलेबल विल बी एक्सेप्टेड एप्लीकेशन सी वी सेंड टू ऑफिशियल ई मेल एड्रेसेज विल नॉट बी एंटरटेनड तो ई मेल एड्रेस से ना भेजें पहले ऑनलाइन एप्लीकेशन करनी है बाद में ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के बाद उसको डिमांड ड्राफ्ट बनाकर वापस से ऑफलाइन भी भेजनी है तो ऑनलाइन की लास्ट डेट है थर्टी सेप्टेम्बर यहाँ पे लिखी हुई है थर्टी सेप्टेम्बर टू थाउजेंड ट्वेंटी वन लास्ट डेट है इसकी ऑनलाइन की एंड ऑफलाइन जब आप उसको भेज रहे हैं यहाँ पे देखें लास्ट डेट नज़र आ रही है सबसे नीचे तीस सेप्टेम्बर तक लेटेस्ट आप कर सकते हैं और अगर ऑफलाइन मेड में फिर उसको भेजना है तो उसके लिए लास्ट डेट थर्ड अक्टूबर रखी गई है यहाँ पे थर्ड अक्टूबर लास्ट लाइन आप देख सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी आप चेक कर सकते हैं डिटेल्स आप सभी को बेस्ट विशियस थैंक यू वेरी मच